कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के आंकड़े इस हफ्ते 50 लाख और एक्टिव केसेस 10 लाख पार हो जाएंगे। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में इसके लिए अनियोजित लॉकडाउन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने यह भी कहा कि यह लॉकडाउन पीएम मोदी ने अहंकार की वजह से किया। राहुल ने लिखा, अनियोजित लॉकडाउन एक व्यक्ति के अहंकार की देन है जिससे कोरोना देश भर में फैल गया। राहुल ने तंज कसते हुए लिखा कि मोदी सरकार ने कहा आत्मनिर्भर बनिए, यानी अपनी जान खुद ही बचा लीजिए, क्योंकि पीएम मोदी मोर के साथ व्यस्त हैं। राहुल गांधी संसद के मानसून सत्र के शुरुआती दिनों में हिस्सा नहीं लेंगे। वे अपनी मां और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ विदेश गए हैं। कांग्रेस की ओर से जारी बयान के मुताबिक सोनिया अपने सालाना मेडिकल चेकअप के लिए विदेश गई हैं। राहुल भी उनके साथ गए हैं। सोनिया करीब 2 हफ्ते विदेश में रह सकती हैं। ऐसे में वह संसद के आधे मानसून सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। राहुल गांधी के 1 या 2 दिन में लौटने की संभावना है।